Greetings and welcome to me and Taro. And आज का हमारा टॉपिक है भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं. ठीक है, वेल ये टॉपिक मैंने लिया बिकॉज एवरी टाइम वी जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू गॉड, है ना, हम भगवान से बात करना चाहते हैं. भाई ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है वो हमारी समझ में नहीं आती लेकिन कहीं से हमें गाइडेंस मिल सकता है. सो यही सोच के मैं रीडिंग करने वाला हूँ. मैं खुद भी भगवान से गाइडेंस लेता रहता हूँ समय समय पर एंड काफ़ी सही वक्त होता है वो. जैसे कि आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो और अगर आप कि थर्ड आई ओपन है या फिर इफ़ यू कैन सेंस व्हाट गॉड इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट यूनिवर्सल मैसेजेस, देन बहुत अच्छा लगता है कि मैसेज एक्सचेंज होते हैं और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है. तो ये बस एक छोटा सा एफर्ट है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. अगर आपको लगता है कि मैसेजेस रिजोनेट हो सकते हैं दैट्स गोना बी वेरी गुड थिंग. ठीक है, उसके लिए करने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल. पहला तो है ये है थारो और ये हैं दूसरे मैसेजेस. ओके, सो यू टू कनेक्ट विद दिस वन. सबसे पहले लेते हैं टैरो. जनरल रीडिंग है, जो भी रेजोनेट हो आप ले लीजिए, जो नहीं उसको छोड़ दीजिए. ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स. देखते हैं भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं. वेल दिस इज द फर्स्ट कार्ड, ये आ गया सेकंड वन, ये आ गया थर्ड वन. ठीक है, ये आ गया फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ एंड ये आ गया फाइनली सिक्स. चलो छः कार्ड आ चुके हैं तो छः कार्ड से ही हम देखने वाले हैं भाई क्या रीडिंग आती है. ठीक है, देखो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है सिक्स ऑफ सोर्ड्स. तो ये सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ चुका है. इट्स ऑल अबाउट द एयर साइन, यानी कि जेमिनी, लीब्रा और एक्वेरियस. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है. समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस यू कांट फिक्स, स्टॉप कैरिंग बर्डन्स दैट गिव्स यू सैडनेस. ठीक है, देखो ये स्पेसिफिकली आपके लिए है, ना ही आपकी फैमिली के लिए ना ही आपके लवर के लिए. तो जो भी ये रीडिंग देख रहा है ये उनके लिए हो सकता है रीडिंग. तो जो भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये मेरे सिचुएशन से काफ़ी हद तक मैच है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है. ठीक है, तो माइंड इट, अंडरस्टैंड करो, इसके हिसाब से आपको अच्छा महसूस हो सकता है, आपको मैसेजेस भी मैच हो सकता है. जो नहीं होते उसको लेट गो करो. ठीक है, देखो इसका सॉल्व है यहाँ पे और इसका जो मीनिंग है, देखो कई बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो हम फिक्स नहीं कर पाते हैं. ठीक है, फिक्स नहीं कर पाते मतलब देखो जैसे कि मान लो आप कहीं पे चले गए ट्रैवलिंग के लिए, अचानक से गाड़ी बंद हो गई. मेरे साथ हो चुका है ये कई बार. फिर क्या होता है ना, एक बार रात में बंद पड़ी, एक बार शाम को बंद पड़ी. ओके, तो ऐसा हुआ था लेकिन समय पर मदद मिली एंड इट्स लाइक ओके एवरीथिंग फिक्स्ड. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप फिक्स नहीं कर पाते तब क्या, जैसे कि हमारे घर में कार थी जिसका अभी रिन्यूअल नहीं हो सकता, सो आई हैड टू जस्ट गिव इट अवे. लेकिन उसके लिए बहुत समय लग रहा था. तो देखो कितना भी कुछ करो, आई वॉजंट एबल टू गेट द पार्ट्स एंड हैव इट रीडेकोरेटेड, रीडिजाइन नहीं हो सकता था. ठीक है, स्टॉप कैरिंग बर्डन दैट गिव्स यू सैडनेस. अब बर्डन का मतलब है जैसे कि मान लो आपके ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं, जैसे कि मान लो कहीं पे जॉब का इशू चल रहा है या फिर किसी ने कुछ भला बुरा कहा या फिर इवन योर लवर यू फाइंड देम कि भाई वो किसी और के साथ है और आपको भी बुरा लग रहा है. अगर ऐसी कोई भी बात है जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है तो पहले तो आप देखो अंडरस्टैंड करो कि ऐसी कोई भी बात जो आपके दिल को ठेस पहुँचाए उससे दूर हो जाओ. उसका बर्डन लेके आपको कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, ये मतलब यू होगा कि जैसे कि विक्रम और वेताल में हम देखते थे कि विक्रम वेताल को लेने जाता था और वेताल जो है वो विक्रम के कंधे पे बैठता था. तो यू एक्स्ट्रा बैगेज क्यों लेना. देखो सामने वाले इंसान को अगर कोई चीज़ करनी है तो अपने तरीके से करेगा, आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जैसे कि मैं अपने डैड को कहता कि भाई मच्छर ना काट, इसके लिए ये क्रीम लगाओ, वो सब करो वगैरह वगैरह. ठीक है, लेकिन अगर उन्हें नहीं लगा और वो कहीं पे बाहर चले गए, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, नहीं कर सकता. और बर्डन लेने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं है, बाकी जो होगा वो तो यूनिवर्स देख लेगी. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है सेवन ऑफ कप्स. सिक्स के बाद डायरेक्टली सेवन आ चुका है और ये है इमोशन वाली साइड, यानी कि कप्स जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस. देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस, नो मैटर व्हिच वन यू चूज, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट फाइन, मेक अ डिसीजन. देखो सेवन ऑफ कप्स के जो इश्यूज होते हैं इस कार्ड के लिए वो क्या होता है कि भाई बहुत सारी बातें हमारे सामने होती है. अगर एक क्लासिक एग्जांपल दूँ तो मान लो छोटा बच्चा, उसके सामने बहुत सारे ऑफर्स दिए गए हैं, कौन सा आइसक्रीम चाहिए, वैनिला चाहिए, स्कूप वाला चाहिए, आपको कोन वाला चाहिए, बटरस्कॉच चाहिए, पिस्ता चाहिए, बादाम चाहिए, क्या चाहिए. देखो चॉइसेस बहुत सारी होती हैं लेकिन आपको चुनना बस एक ही है.
ठीक है। अब इसका सिंपल एक ही मतलब है कि देखो, ज़िंदगी में चीज़ें सही हो सकती हैं, हो भी जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट डिसीजन तो बनाओ, है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मोमेंट है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको शांत होने की ज़रूरत है, ठीक है, शायद ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपका ध्यान खींच रही हैं, फाइनेंसिस में कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं आपके लवर भी आपको बोल रहे हैं कि भाई व्हाट टू डू, बताओ क्या करना है आगे, फ्रेंड्स को भी आपकी ज़रूरत है, ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं, आपको खुद का भी हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट नीड टू डू, भी एक डिसीजन कर लो, मेरा फोकस अभी सिर्फ मेरी फैमिली रहेगी या मेरी हेल्थ रहेगी, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। अब आपके लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट भाई क्या करना आपके लिए बेहतर हो सकता है, एक ओपिनियन तो आपको मिला, एक ऑप्शन तो आपको मिला, ऑप्शन के बाद आप क्या करोगे ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, ये है भाई वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन, एरीज लियो सैज वाला कार्ड जो कि है, डू यू स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग ऑफ फ्यूचर देन एक्चुअली लिविंग इन द प्रेजेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में ही जीते हैं। अब फ्यूचर में जीना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको प्लानिंग करनी है, अगर आप किसी कंपनी में हो जिसके लिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी करना, ठीक है, अगले साल ये होगा तो मुझे अपनी कंपनी में ये चेंजेस चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बार फ्यूचर में रह के आप ज़िंदगी जी नहीं सकते। अगर आप रिश्तों की अहमियत समझना चाहते हैं, अगर आप रिश्तों को सुलझाना चाहते हैं, अगर आप खुद की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो बी इन दिस मोमेंट राइट नाउ, ठीक है। जैसे कि शांगची एक मूवी थी, मुझे देखनी थी लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, सो व्हाट डिड आई डू, आई डिडंट बी इन द फ्यूचर, ऐसे जब आएगी तब देखेंगे। अभी दो चार दिन पहले ही हॉटस्टार पे आ गई, मैंने देखी, सिस्टर ने देखी और फिर मैंने दोस्त को भी मैंने रिकनाइज किया भाई हैव द मूवी, तो उसने भी ये मूवी देख ली, अब उसको भी काफ़ी अच्छी लगी, डैड ने भी देख ली, तो मेरी पूरी फैमिली में फैमिली ने देख ली, उसके बाद मतलब हम दोनों ने पहले, फिर डैड ने एंड फिर माय फ्रेंड, सो इट्स लाइक दैट वन। हाउ डिड दिस हैपन, देखो फ्यूचर में जीना कभी कभी आसान हो सकता है लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी तबाह भी हो सकती है। अभी जो मैटर करता है वो अभी का वक्त है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि दिवाली है तो पटाखे फोड़ने हैं, रोशनी करनी है, हाँ हम कल करेंगे परसों करेंगे, और वो सारे दिन अगर चले गए तो आपके हाथ में सिर्फ पटाखे रहेंगे लेकिन फोड़ने के लिए कोई दिन ही नहीं रहेगा। सो डोंट बी इन दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन आ चुका है, मे बी योर हार्ट इज फुल ऑफ लव बट इट डजेंट मीन यू डोंट नीड मोर लव इन योर लाइफ, फाइंड समवन विद होम यू कैन एक्सचेंज द कप ऑफ लव। देखिए एट ऑफ कप्स का मीनिंग है कि भाई मे बी आप अभी किसी चीज़ से उभरे हैं, ठीक है, या तो किसी का बहुत बड़ा और बुरा ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि हाँ भाई आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं हो कि मैं उसे प्यार करता हूँ, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मे बी यू हैव क्रश ऑन समबडी और आपको पता चला कि भाई वो किसी और से प्यार करते हैं, फिर वो पर्सन मैरिड है ना, आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन सर मतलब ये नहीं है कि भाई आप जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे, फाइंड समवन, किसी से मिलो, बातें करो, ठीक है, हॉबी ढूंढो, या फिर अगर आपको कोई म्यूज़िक पसंद है वो सुनो, ओके जिम करो, एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ करो, सच में कोई ना कोई पर्सन आपको इस पूरे चीज़ में मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। होप छोड़ना बहुत बुरी बात है, जो कई बार एट ऑफ कप्स मतलब क्या होता है कि आई एम फेड अप ऑफ एवरीथिंग नाउ आई वोंट फाइंड समबडी फॉर मी, यू शुड फाइंड समबडी और नॉट समबडी देन यू शुड फाइंड समथिंग, किसी को ढूंढो या फिर कुछ को ढूंढो जो आपकी ज़िंदगी में तन्हाई दूर करेगा, जैसे कि आपको जिम करनी है अपने घर में भी कर सकते हो, ओके आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एरोबिक्स करने है, घर में गाना लगाओ, एक्सरसाइज करो, जुम्बा करो, कौन रोक रहा है आपको, हैव योर हैप्पीनेस इन योर हार्ट, आपको मिलेगा लेकिन उसके लिए तैयार तो करो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे क्वीन आ चुकी है जो कि है एयर साइन की, और ये है विजडम एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आर गुड थिंग्स टू डील विद कन्फ्यूजिंग पीपल। वाह बहुत ही बड़ी बात है, क्या है ये, देखो विजडम एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है ये किसके लिए काफ़ी अच्छा है, कंफ्यूजिंग पीपल के लिए। अगर आप में से कोई पर्सन कंफ्यूज्ड है, यू नो वो ललचा तो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई एडवेंचर पे जाना है, ये करना है, वो करना है, यू नो हिमालय पे जाना है, जर्नी करनी है, ठीक है भाई कर सकते हो लेकिन क्यों नहीं कर रहे। विजडम और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विजडम और क्लैरिटी का मतलब क्या है, देखो अगर आपको कोई चीज़ करनी है, किसी को प्रपोज करना है, शादी के लिए आपको तैयारी करनी है, ठीक है भाई विजडम क्या कहता है, पहले अपनी लेवल देखो, हाँ क्या आप शादी के लिए तैयार हो, कितने पैसे आपके पास है, सेविंग्स कितने बनाए हैं, ठीक है,
आपका हेल्थ चेकअप आपने किया है, फैमिली क्या कहती है, किस टाइप का लड़का लड़की आप ढूंढना चाहते हो, यह आ गया विजडम, क्लैरिटी बनाओ, क्लैरिटी। हाँ ठीक है, क्या आप फिलहाल के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, व्हाट अबाउट योर जॉब, इज योर जॉब सेटल, या फिर अभी 2 महीने के बाद ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे। ओके, अपने घर में रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो तो रेंट की तैयारी की है आपने, घर में रह रहे हो तो भी आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल अगर बाहर जाओगे, रेंट पे रहोगे तो कैसे करोगे, क्लैरिटी कितनी। अगर आपकी जो वाइफ या हस्बैंड कहेगा भाई मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये क्लोथ पसंद है, मुझे आप में ये चेंजेस चाहिए, क्या आप वो करने को रेडी हो, तो ये सभी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे और जो भी व्यक्ति आपको पसंद है उनके साथ अगर शेयर करोगे, एक साथ शेयर करो, या फिर हैव अ काउंसलर, या फिर हैव अ मीडिएटर, जो आपका कोई दोस्त है, कॉमन फ्रेंड, उससे बात करो, आपको पता लगेगा कि भाई हाँ भाई मैं शादी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर कोई शेयर खरीदना है, खरीदे करूँ या ना करूँ, किसी ने किया है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए रेडी हो। जैसे कि मेरे दोस्त ने किए, उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसको 1,20,000 मिल गया, लेकिन उसने ये भी कहा कि भाई एक जो शेयर था 5,000 का वो हो गया 10,000, दूसरा सेम शेयर था वो हो गया बस 500 रुपये। तो सी, किसी में पैसे डूब गए, किसी में पैसे मिल गए, तो चीज़ें ऐसे होती हैं, आप उसके लिए रेडी हो गया। नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ कप्स, यानी कि ये स्टार्टिंग लाइनअप है। क्या ये, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, इट ऑफर्स लव, पीस एंड हीलिंग। अगर भगवान आपसे कुछ कहना चाहते तो भाई यही बात है कि देखो आपके ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत है तो वो हो सकती है प्यार, शांति और ख़ुद को हील करना। यानी कि भाई अगर आप किसी चीज़ में डूबे हुए हैं, कोई सी तकलीफ में है, तो पहले खुद को उस तकलीफ से बाहर निकालो। ओके, मान लो आप झुलस रहे हो और कोई कह रहा है मुझे हेल्प करो, खुद को प्यास लगी और somebody saying that just hand me the water, कैसे करोगे, आपको खुद पहले पानी पीना है ना। तो ये सब का मीनिंग है कि भाई देर इज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स कुछ समझा रही है, कुछ दे भी रही है, क्या आप उसको ले रहे हो। देखो प्यार और शांति आपको तभी मिलेगी जब खुद को हील करोगे, है ना। जैसे कि मानो रोड बहुत खराब है और जाते कि चलो मैं जाऊंगा ट्रैवलिंग पर, कैसे जाओगे, पीठ दुख रही है आपकी, गाड़ी आपकी सर्विस में नहीं है और रोड तो देखो भाई खराब है और आप निकल रहे हो, कैसे निकलोगे। तो पहले अपने आप को हील करो, उसके बाद आपको प्यार और शांति अपने आप मिल जाएगी। इधर रिगार्डिंग थारो, और अब देखते हैं कि भी इस ओरैकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। बस कुछ ही कार्ड हमें चुनने हैं, देखते हैं भाई रीडिंग क्या आती है। ओके, हियर वी गो, पास हो गया इतनी सारी कार्ड्स, और अब देखते हैं कि भी रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। देखो पहला जो कार्ड है वो है टेक एक्शन इफ इट्स नेसेसरी। आपको एक्शन तभी लेनी है जब इसकी सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत का मतलब क्या है कि कभी कभी देखो हम अचानक से ही कोई चीज कर देते हैं, फिर बोल देते हैं, ऐसा लगता है कि भाई होने वाला है, पहले बी रेडी फॉर इट। रेडी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुरंत एक्शन मत लो। किसी ने किया तो मुझे लगा उस वो भी करेगा, इसलिए मैंने उससे डायरेक्टली बात बोल दी और हमारा रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार लगता है कि होने वाला है, होता नहीं है, बस एक फीलिंग सी महसूस होती है। नेक्स्ट कार्ड है आस्क योर ट्रू डिजायर। देखो क्या चाहिए आपको, ये खुद से पूछो ना, क्या चाहिए आपको एक्चुअली। आपको प्यार चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, क्या चाहिए आपको। देखो कई बार लोग कुछ कहते हैं कि भाई हाँ वी वेर इन लव, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था। कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई अरेंज मैरिज था, लेकिन ये मुझे बहुत पैसा मिला शादी के बाद। तो ये क्या है, देखो अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा IIT टॉपर है लेकिन UPSC कर रहे हैं, क्यों। हाँ भाई वो करोड़ों कमा तो सकते हैं, लेकिन UPSC करके जो देश का भला करेंगे वो अलग फीलिंग होती है। सिमिलरली क्या है आपके डिजायर, ट्रू डिजायर, ये करना है, वो करना है, क्या करना है, खुद से पूछो तो आपको जवाब सच में मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है टेक अ स्टेप। टेक अ स्टेप का मतलब है कि शायद कोई बात है जो आप सच में करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना है, ओके आप सोच रहे हैं, कोई चीज़ करनी है, आपको नई जॉब करनी है, ओके आप सोच रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। ये नहीं कि भाई तुरंत जाके वो काम करो, एटलीस्ट टेक अ स्टेप, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको विंडो शॉपिंग पसंद है, ठीक है, टेक अ स्टेप, देख लो भाई विंडो शॉपिंग आपका क्या मिलता है, आपको अगर चीज़ अच्छी लगी आप ले लोगे, नहीं अच्छी लगी नहीं लोगे, लेकिन कुछ कोशिश तो करनी चाहिए ना, सो स्टार्ट वर्किंग। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है देखो ट्राई लुकिंग एट न्यू एंगल। अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करो,
ठीक है। अब ट्राई लुकिंग एट न्यू एंगल, मतलब जैसे कि मेरा एक दोस्त था, मतलब मेरा कजिन ही था, ठीक है, उसको जाना था फॉरेन। अब वहाँ पे उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो कंपनी फ्रॉड निकली, फिर उसने कहा कि नहीं भी मैं जाऊँगा। तो नाउ ही इन्वेस्टेड मनी एंड ही गॉट अ जॉब प्रपोजल, कहीं पे जॉब करना था, एंड एक्चुअली जानता उसको कनाडा, लेकिन चला गया US, कहीं पे बहुत दूर चला गया। बट नाउ ही इज़ हैविंग वेरी फाइन एनवायरमेंट ओवर देयर, बहुत सारे लोग हैं जो मिले जो भारत से ही थे, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी अभी बीत रही है उसकी। कैसे? ट्राई लुकिंग एट न्यू एंगल। सोचा उसने चलो मुझे जाना है और कोशिश करता हूँ, टेक अ स्टेप वाली कोशिश की। सेकेंड, न्यू एंगल, यहाँ पे नहीं जा सकता, चलो कहीं और जाऊँगा, और चला गया और अब वहाँ पे काफ़ी सही तरीके से ज़िंदगी जी भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है टॉक टू योरसेल्फ इन साइलेंस। अगर आपको मेडिटेशन नहीं जम रहा किसी भी कारण से, तो थोड़ी देर के लिए खुद से बात करो। हमें अपना कमरा थोड़ी वक्त के लिए तो खाली मिलता ही है, बात करो, सामने आईने के खड़े हो जाओ और बात करो कि भाई तुम चाहते क्या हो। ठीक है, चलो तुम्हारे साथ इतना सारा कुछ हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, तुम्हें इतना सारा झेलना पड़ा, लेकिन भाई कौन ऐसा है जो नहीं झेलता। आप किसी भी CEO को लो, जैसे कि रिलायंस के अंबानी को लो, उसको भी तकलीफ है ज़िंदगी में। आप खुद को देख लो, आपको भी तकलीफ है ज़िंदगी में। तो ऐसी कौन सी बात है जो दोनों को कॉमन बनाती है? आप दोनों इंसान हो, पैसों से कोई चीज़ नहीं बदलती। जैसे कि मान लो उनको अरबों रुपए मिल रहे, कभी उनकी डाइट देखिए, कभी देखना सर करके डाइट कितनी होती है। वो अमीर से मतलब ये नहीं कि भाई 2000 चपाती खाएंगे, उनका लिमिट भी है, सिर्फ 3 चपाती, ख़त्म उनका खाना और कुछ नहीं। अंबानी मतलब ये नहीं कि भाई कहीं से ये खाएंगे वो खाएंगे, बिल्कुल नहीं। और चाहे वो 70 करोड़ की गाड़ी क्यों ना खरीदे और क्यों ना उसमें बैठे, उनको आके जाना है वही रोड से। बीच में न्यूज़ भी आई थी उनकी गाड़ी बंद पड़ गई तो जंप बैटरी करनी पड़ी उसको। तो बस सिंपल से देखो, हर व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो आपके इश्यूज़ क्या है? अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, तो देखो लोग क्या करते हैं, टेंपल में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर भगवान से बातें करते हैं, चर्च में जाते हैं, कहीं और जाते हैं बातें करते हैं। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा समय अपने लिए निकालो एंड खुद से बातें करो, आपको ही समझ में आएगा भाई आपका इशू क्या है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है जस्ट डू इट। जस्ट डू इट का मतलब है कि भाई अगर आपको कोई चीज़ करनी है, क्या करने से आपको डायरी लिखने का शौक है, लिखी डायरी? नहीं, क्यों नहीं लिखी, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, कोई आपको पसंद है, ठीक है, बात करनी उसे, 2 मिनट के लिए बात करने से क्या होता है कि हेलो हाय आप कैसे हो, बस हो गया 2 मिनट के लिए बातें। देखो कन्फेस करना पिया ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो कर सकते हो। तो जस्ट डू इट का मतलब ये नहीं कि भाई चलो जाओ करो, ऐसा नहीं होता। जस्ट डू इट का मतलब है कि हैव अ स्टेप फर्दर मोर। ओके, तो अगर कोई ऐसी बात है जो आपको रोक रही है कोई अच्छी चीज़ करने से, ओके, जैसे कि मान लो कोई नई जॉब ट्राई करनी है लेकिन आप डर रहे हो इंटरव्यू खराब जाएगा। अब मेरा दोस्त मुझे कहता था कि ही वॉज यू नो लर्निंग एंड ही वॉज ड्रिंकिंग अ लॉट, कहता था कि सुबह मैं जाऊँगा और फिर ड्रिंक इतने हो जाते कि सुबह आँखें नहीं खुलती थी। तो ये तो क्या हुआ फिर? बस वही बात है कि देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। देखो इसीलिए जो पहला कार्ड आ गया था, ठीक है, वो क्या था कि देखो डिसीजन बनाना पड़ता है हमें। ओके, कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको हैंडल नहीं कर सकते। और दूसरा कार्ड बिल्कुल वही कहता था कि देखो सिचुएशन कई बार ऐसे होते हैं कि जो हम फिक्स नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, उसमें आपको रुकना नहीं। जैसे कि मान लो आपने कि कोई गाड़ी हायर की, ओके, और अचानक से मान लो वो गाड़ी बंद पड़ गई, तो आप वहीं पे रहोगे या आगे जाओगे? वही बात है कि अगर आपको यूनिवर्स साइन दे रही है, किसी के लिए वेट किया, बहुत वेट किया, अब वो पर्सन वापस नहीं आ रहा, बाहर निकलो, आगे बढ़ो, लग रहा है कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही, आगे बढ़ो, ट्राई अ न्यू इंटरव्यू, ठीक है, लग रहा है इस डॉक्टर से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, चेंज द डॉक्टर एंड सी द आउटकम। तो जो अच्छा हो सकता है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।